हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है जिसमें चैप्टर का नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये सामने डेफिनेशन दिख रही है आपको, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये लिखा हुआ है, इसको लास्ट में समझेंगे। इससे पहले इसकी थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा कि आखिर इसको किस आधार पर डिफाइन किया गया। इससे पहले मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल न्यूमेरिकल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं अभी तक की वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप डायरेक्ट लिंक प्राप्त कर सकते हैं कि टॉपिक लिखा होगा उसके सामने लिंक होगी, लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। वीडियो क्वालिटी लो है तो 360p पे सेट करके देखें। ऐसे अब स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी समझने की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी रिजिडिटी की बात कर रहा है। इसमें डेफिनेशन देखें, शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है, शियर स्ट्रेन की बात कर रहा है। तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन समझते हैं, उसके आधार पर हम इस डेफिनेशन के आएंगे, उससे क्लियर हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेस क्या होता है। अगर कोई एक बॉडी है वो किसी दूसरी बॉडी से किसी रिवेट के थ्रू जोड़ी गई है, इस तरह यहां पर मान लीजिए एक रिवेट लगी हुई है, उसके थ्रू क्या हुआ, एक बॉडी को जोड़ा गया है। इस पर मान लिया मैंने क्या है, ए इसकी लाइन ऑफ एक्शन है या फिर कह सकते हैं एक्सिस है। इस पे क्या है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। इसका लाइन ऑफ एक्शन कौन सा, ए हो गया। मतलब लाइन ऑफ एक्शन कैसे होंगे, दोनों के अलग अलग, दोनों की रेखाएं कैसी अलग होंगी। यहां पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। यह फोर्स क्या करेंगे, इस बॉडी को बाहर की ओर खींचेंगे। बाहर की ओर खींचेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या होगा, स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। मतलब स्ट्रेस कैसे डेवलप हो रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्स क्या होते हैं, इंटरनल स्ट्रेस बोल सकते हैं इसको, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब ये इसके आधार पर क्या होता है, हमने ये देखा है कि अगर बॉडी में परिवर्तन हो रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इस स्ट्रेस के कारण क्या होता है, बॉडी में परिवर्तन होता है कभी भी तो क्या होता है, स्ट्रेन डेवलप होती है। स्ट्रेन या विकृति बोलते हैं इसको, स्ट्रेन डेवलप होती है। यह स्ट्रेन क्या होती है, जो चेंज होती है बॉडी में, जो परिवर्तन आता है, और ओरिजिनल बॉडी के अनुपात को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। या जो लेंथ में परिवर्तन आ रहा है और ओरिजिनल जो लेंथ है उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। ऐसा दिख रहा है कि अगर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो स्ट्रेन भी डेवलप होती है, मतलब एक दूसरे से संबंध इनका, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन हम यहां पर कौन सी बात कर रहे हैं, शियर फोर्स की बात कर रहे हैं, इसकी शियर फोर्स लगा हुआ है, तो इसको बोले हम क्या, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बोलेंगे। इसी तरह क्या होता है, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन का आप प्रूफ देखेंगे तो क्या एप्सिलॉन से विडोट कर सकते हैं इसको, सॉरी, या फिर इसको, तो हम इसमें देखिए, इसको हम इसका क्या निकलता, फाइव वैल्यू निकलती, क्या निकलती, फाइव। जो एंगल, जिस एंगल से टिल्ट होती है, जब इस जो एंगल से ऐसी टिल्ट हो जाती है, उसका डेरिवेशन देखेंगे आप तो उससे आप समझ जाएंगे। तो इसको किससे निकालते हैं, फाइव से। अब इन दोनों में जब संबंध होता है, आपको दिख रहा है कि अगर स्ट्रेस डेवलप होगी तो उसके साथ साथ स्ट्रेन भी डेवलप होगी, एक दूसरे से संबंध है इनका। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ। मतलब बोलते हैं शियर स्ट्रेस है वो किसके समानुपाती होती है, शियर स्ट्रेंथ की। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ। अगर हम इसका क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे क्या है, इसका मतलब ही होता है कि अगर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो उसके साथ बॉडी में परिवर्तन होगा, मतलब स्ट्रेन डेवलप होगी। तो एक दूसरे से कैसे रहते, संबंध रहते हैं, संबंधित रहते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल बोला जाता है। और अब इसके आधार पर अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, शियर स्ट्रेस, तो यहां पर एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसे बोलते हैं शियर कॉन्स्टेंट या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम सी से डिनोटेट करते हैं, कई जगह जी से भी डिनोटेट किया था, इनटू शियर स्ट्रेन। इसको भी वर्डों में लिखते हैं, शियर स्ट्रेन को हम क्या टाउ से डिनोटेट करते हैं, सी इंटू
शियर स्ट्रेन को हम क्या से कह के फाई से डिनोटेट करते हैं, ये लिखा हुआ हमें बता दिया, इसके कल क्या होता है फाई लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है सी, सी इज इक्वल टू होता है टाउ अपॉन फाई। इसको अगर हम वर्डों में लिखें तो सी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ क्या है शियर स्ट्रेस, अपॉन फाइ क्या है शियर स्ट्रेन। इसको अगर हिंदी में लिखें तो क्या होता है, इसको बोलते कर्तन मापांक, सी इक्वल टू क्या होता है अपॉन विकृति। तो फ्रेंड्स इस आधार पर ही इसको अब अपन डेफिनेशन चलते हो समझने की कोशिश करते हैं, क्या लेगा विथ इन द इलास्टिक लिमिट, विथ इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है ऐसा कोई मटेरियल जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब होता है ऐसा कोई मटेरियल जिसपे हम फोर्स लगाएं और उसमें परिवर्तन हो लेकिन फोर्स हटाने पर वह अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाए, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो इसलिए हम लिखा विथ ऐसा मटेरियल जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, तो हम बोल सकते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, ऐसा लिखा शियर स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर स्ट्रेस हम बता चुके एक होता है जो एफ अपॉन ए होता है, एफ क्या होता है यहाँ शियर फोर्स होता है, क्या होता है शियर फोर्स, ये क्या होता है एरिया, एरिया ऑफ रिवेट, जो ये रिवेट देख रहे हैं यहां से इस क्या होता है इस तरह की कुछ रिवेट बनती है, ये जो एरिया होता है इसका डायमीटर क्या होता है डी, ये देख रहे हैं ये रिवेट यहां से टूटेगी तो इस तरह की रिवेट बचती है कुछ, ये जो डी है इसका एरिया होता है यहां पर। तो शियर फोर्स अगर इस पे लग रहा है शियर फोर्स हम जानते हैं, अगर दो बॉडी इस तरह एक जुड़ी हुई है किसी रिवेट से और दोनों में क्या हो रहा है अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पर फोर्स लग रहे हैं तो यहां से फिसलने की कोशिश करेंगे तो मतलब इसकी स्ट्रेंथ को हमें डिजाइन करना पड़ता है, इस तरह का जो फोर्स लगता है उसे हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसे शियर स्ट्रेस बोलते हैं, और जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगी मतलब बॉडी में परिवर्तन होगा वो उसे क्या बोलते हैं हम स्ट्रेन बोलते हैं, उसी स्ट्रेन को हम क्या करते हैं इन दोनों को शियर स्ट्रेस और उसी शियर स्ट्रेन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था, कोशिश की हमने समझाने की कि किस तरह शियर स्ट्रेस क्या होता है शियर स्ट्रेन क्या होती है और इसको किस आधार पर इसको डिफाइन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करें, थैंक यू फ्रेंड्स।